और रटने के लिए आपको क्या करना है, दो लहसुन सुबह में आप कच्चा खा करके थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए, याददाश्त बढ़ता है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में आप 1 गिलास पानी में तुलसी रख करके वो पीजिए, वो आपको बेनिफिट देगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। इसके अलावा ये सब। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना YouTube परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोग हमसे उतना परिचित नहीं है जितना और जगह पे है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ ऐसा प्रोसेस, कुछ ऐसा तरीका जो अगर आप दिसंबर से करते हैं तो दिसंबर जनवरी फरवरी में तो आपको परीक्षा है, तो फरवरी में जो आपका परीक्षा है उसमें आप फर्स्ट कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, यकीन मानिए अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं। इसके अलावा ऐसा है 3-4 मिनट करके 2-3 वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें अचूक 2-3 प्रोसेस ऐसा हम इस वीडियो में भी बात करने वाले हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो हम यकीन कर यकीन कह सकते हैं और ग्रांटेड कह सकते हैं कि आप बेहतर अंक ला सकते हो। पहले नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, किताब जैसे गणित में कौन कौन प्रश्न इंपोर्टेंट है जो पूछा जाएगा। हर एक चैप्टर से 2-3 प्रश्न ही ऐसा होता है जो पूछने वाले होता है या उसी के तर्ज पे प्रश्न पूछा जाता है। तो हर एक चैप्टर का 2-3 क्वेश्चन आपको शुरुआती क्वेश्चन, जैसे कि 4-1 का अगर पहला दूसरा क्वेश्चन है, ये ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। कोई भी क्वेश्चन का जो शुरुआती 2-3 क्वेश्चन होता है वो ज्यादा इंपोर्टेंट होता है और वही क्वेश्चन रिपीट करके पूछा गया है, उसी के तर्ज पे पूछा गया है। यकीनन अगर अभी से आप तैयारी कर लेते हैं ऐसा, क्योंकि समय भी आपके पास कम है और इसी कम समय में आपको टॉपर भी बनना है, आपको बेहतर अंक भी लाना है। और टॉपर बनने के लिए ऊपर से भगवान नहीं आते हैं, टॉपर आप ही जैसे विद्यार्थी बनते हैं, ठीक है, इसलिए बन सकते हैं टॉपर। आगे बात करते हैं और विषय की बात करते हैं, उसमें भी 3-4 प्रश्न ही होता है पर चैप्टर से जो आपको इंपोर्टेंट होता है। एक और तरीका है इंपोर्टेंट प्रश्न पकड़ने का, अगर जो प्रश्न आपको बहुत तंग कर रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो वो प्रश्न जो है काफी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, VVVVI प्रश्न माना जाता है। तो उस क्वेश्चन को आपको जोर दे करके, याद नहीं होता है तो आपको उसको बार बार लिखना है। मैथ में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट चांस भैया आप रिपीट कर रट जाइए, और रटने के लिए आपको क्या करना है, दो लहसुन सुबह में आप कच्चा खा करके थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए, याददाश्त बढ़ता है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में आप 1 गिलास पानी में तुलसी रख करके वो पीजिए, वो आपको बेनिफिट देगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। इसके अलावा ये सब थोड़ा आयुर्वेदिक हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन कुछ है थोड़ा विद्यार्थी के लिए हेल्प टिप्स है ये हम आपको बता रहे हैं। ये सारे प्रोसेस है, इसको आप कर सकते हैं। अभी आपको पढ़ना है गैस पेपर कौन कौन से पढ़ना है, आपको क्वेश्चन बैंक कौन पढ़ना है, इसके लिए हमने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर दे रखे हैं, वेबसाइट का नाम है माधव एनसीईआरटी क्लासेस या MNC क्लासेस पे आप जा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, आप लोग को बता देते हैं कि गैस पेपर में आपको अभी क्वेश्चन बैंक पर फुल्ली ध्यान देना है, इसके अलावा बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर आने वाला उस पर ध्यान देना है। एग्जाम से 1 महीना पहले यानी अभी मानिए दिसंबर के लास्ट तक में आ जाएगा रीड एंड पास बुक बाजार में आ जाएगा, जिसका मतलब ये होता है पढ़ो और पास हो जाओ। रीड एंड पास बुक छोटा छोटा बुक होता है, वो आप खरीद सकते हैं, हमारे पास था भी, यहाँ पर नहीं है अभी, हम तो आपको दिखा देते, तो वो रीड एंड पास बुक जो है आप लेकर पढ़ सकते हो, वो बहुत बेहतर होता है एग्जाम के समय। यही सारा प्रोसेस है, विशेष हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप एक बार वेबसाइट को चेक कीजिए, वहां पे सारा चीज अवेलेबल है। बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, जय हिंद।